श्री भज्जी जी और जितने भी हमारे गणमान्य लोग हैं, उन्होंने इस सोलन निर्वाचन क्षेत्र में मुझे कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया है और उसमें मेरे सोलन के जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस नेता, उसमें महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSUI, सभी ने, सेवा दल, इंटर, सब ने मुझे सर्वसम्मति से पद पर मौका दिया है सेवा करने का। मैं कांग्रेस विचारधारा को और कांग्रेस विचारधारा जो हमारी आम आदमी तक जो तरक्की की राह है उसमें और आगे बढ़ने के लिए जो कार्य है उसके लिए मैं संगठन के पदाधिकारियों को तरजीह दूंगा और जो भी हमारे कांग्रेस के पक्के वफादार हैं और निचले स्तर पर बिना कुछ पद मांगे, बिना कुछ कार्य किए काम करते हैं, उनके बीच में रहकर सरकार तक जो आम जनमानस की, किसानों की, दुकानदार भाइयों की, सबकी, जो भी कर्मचारी भाइयों की जो डिमांड होगी सरकार तक उस तक पहुँचा कर सरकार की मदद इस तरह करेंगे कि कई बातें सरकार तक पहुँचती नहीं, फिर बाद में आवाज़ आती है कि ये काम नहीं हुआ। मैं निचले स्तर से अपने संगठन के माध्यम से सरकार तक ये सब कार्य करने का प्रयत्न करूँगा। खुशी की बात है कि सोलन कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं श्री बलदेव सिंह ठाकुर जी, जो कि पहले से ही नौनी पंचायत के प्रधान भी है कई वर्षों से और जिला परिषद के मेंबर भी रह चुके हैं, वो एक ऐसे ग्रास रूट के नेता हैं जिन्होंने बिल्कुल निम्न स्तर से काम किया है, कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और ऊंचे पदों तक वह पहुँचे हैं अपनी मेहनत के वजूद पर। आज एक युवा के अंदर बहुत ही तगड़ा जोश और उम्मीदें भरकर आई है कि जब एक ऐसे प्रधान चुनकर हमें भेजा गया है जो कि हर एक व्यक्ति की बात सुनेगा और उसे उत्साहित करेगा, और हमें बड़ी खुशी की बात है कि कई बार बलदेव जी को उनके अच्छे कार्यों के लिए विदेश भी भेजा गया है, वो 5-6 बार विदेश जाकर अच्छी अच्छी नीतियों को सीखकर उन्होंने नौनी पंचायत को जिस तरह से निर्मल पंचायत और सबसे अच्छी पंचायत का एशिया में वो प्राइज़ दिलाया है, उसी तरह हमें पूरी उम्मीद है कि वो सोलन का भी इसी तरह से विकास करवाएंगे। बलदेव सिंह ठाकुर जी को सोलन कॉन्स्टिट्यूएंसी कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाने पर हम उन्हें दिली मुबारकबाद देते हैं और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर सुखिंदर सिंह सुक्खू जी और हिमाचल के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का और धनीराम शांडिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बलदेव जी को ये कार्यभार सौंपा है। प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर सुखिंदर सिंह सुक्खू जी ने हमारे सोलन विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बहुत ही डायनेमिक प्रधान के लिए हमें श्री ठाकुर बलदेव सिंह जी को यहाँ पर नॉमिनेट किया है, हम इसके लिए उनका बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो सोलन को और भी अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और सभी कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेकर चलेंगे।